एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। कि मुदरी जब राम तो है देहल है कहल है सुत अंजनी लौकी के आवत। जामुन जी समुद्र तट पर हनुमान जी को जागृत कर रहे हैं समुद्र लंघन के लिए। कि मुदरी जब राम तो है देहल है कहल है सुत अंजनी लौकी के आवत। और दुखियारी सिया मोर होइयां रोवत बाटी कहाँ सुधी भायली आवत। कि दुखियारी सिया मोर होइयां रोवत बाटी कहाँ सुधी भायली आवत। तो बाटे तो हैं प्रभु राम के आसुन कै क्रिया ललकारी के धाव। बाटे तो हैं प्रभु राम के आसुन कै क्रिया ललकारी के धाव। तो राम कदूत सुन हनुमान चल चली के अब काम बनाव। राम कदूत सुन हनुमान चल चली के अब काम बनाव। जब जामन जी हनुमान जी को प्रभु राम की सौगंध देते हैं हनुमान जी जागृत हो जाते हैं। कि इतना तो सुनत ही आगी लगी देहिया में इतना तो सुनत ही आगी लगी देहिया में देहिया विराट कैले उठे अंगड़ाई के। कि इतना तो सुनत ही आगी लगी देहिया में देहिया विराट कैले उठे अंगड़ाई के। और अंग अंग बिजली चमकी रहा तड़ तड़ जैसे बदरा में तड़ कैला तड़तड़ाई के। कि अंग अंग बिजली चमकी रहा तड़ तड़ जैसे बदरा में तड़ कैला तड़तड़ाई के। तो अंजनी के पुत एक पाँव धैले धरती पे दूसरे से ठोकल कसवा में जाई के। अंजनी के पुत एक पाँव धैले धरती पे दूसरे से ठोकल कसवा में जाई के। तेतने में हाथ जोड़ी सूर्य देव ठाड़ भैले काऊ मिले भाई फेरी हमके भगाई के। सूर्य नारायण सशंकित हो जाते हैं कहीं हनुमान जी अपनी बाल लीला को दोहरा न दें। कहते हैं कि इतने में हाथ जोड़ी सूर्य देव ठाड़ भैले काऊ मिले भाई फेरी हमके भगाई के। आपके मित्र द्वारा रचित इस हनुमान खंड काव्य के छठे भाग में यही प्रसंग चल रहा था। सातवें भाग में वर्तमान भाग जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें प्रभु हनुमान जी जागृत हो जाते हैं समुद्र लघन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला छंद आता है कि जब सूर्य नारायण कहते हैं कि इतना तो सुनत ही आगी लगी देहिया में देहिया विराट कैले उठे अंगड़ाई के। और अंग अंग बिजली चमकी रहा तड़ तड़ जैसे बदरा में तड़ कैला तड़ तड़ाई के। तो अंजनी के पुत एक पाँव धैले धरती पे दूसरे से ठोकल कसवा में जाई के। इतने में हाथ जोड़ी सूर्य देव ठाड़ भैले काऊ मिले भाई फेरी हमके भगाई के। हनुमान जी से जब सूर्य नारायण कहते हैं कि क्या मिलेगा पुनः बाल लीला दोहराने पर तुम्हें, तब हनुमान जी बड़े विनीत भाव से अपने गुरु सूर्य नारायण से कहते हैं कि माफ कर गुरु देव हमें प्रभु राम के काज कभूत चढ़ावा। कि माफ कर गुरु देव हमें प्रभु राम के काज कभूत चढ़ावा। और पुत्र बधु तो हरे कुल कले के रवड़ा वही पार बढ़ावा। प्रभु राम सूर्य वंश के थे माता जानकी सूर्य वंश की बहू हैं। कि माफ कर गुरुदेव प्रभु राम के काज कभूत चढ़ावा। और पुत्र बधु तो हरे कुल कले के रवड़ा वही पार बढ़ावा। तो दतु वशीष चली वही पार अपार ई सागर सोझ खड़ा बा। दतु वशीष चली वही पार अपार ई सागर सोझ खड़ा बा। तो देर जो हुई है राम झुरई है सिया पर भारी विपत्ति पड़ावा। क्या बात है कि देर जो हुई है राम झुरई है सिया पर भारी विपत्ति पड़ावा। हनुमान जी सूर्य नारायण से कहते हैं कि माफ कीजिएगा गुरुदेव लेकिन आपके कुल की बहू प्रभु राम की पत्नी जगत जननी जगदम्बा माता जानकी को रावण हर ले गया है उन्हीं का पता लगाने के लिए मैं बहुत उतावला हूँ। इसमें कुछ ऊंच नीच हो गया हो तो माफ कीजिएगा। सूर्य नारायण जब हनुमान जी की बात सुनते हैं तो हनुमान जी से सूर्य नारायण आदिदेव कहते हैं कि बढ़ी चल साथे साथे हम है। जब ऐसी बात है जब जगत जननी जगदम्बा का हरण करके रावण ले गया है तो मैं भी आपका साथ देता हूँ। कि बढ़ी चल साथे साथे हम है पवन तनय जिनी जाने तू अकेल हो। कि बढ़ी चल साथे साथे हम हई पवन तनय जिनी जाने तू अकेल हो। और मोर सदा साथ रहे पग पग साथ रहे। कि मोर सदा हाथ रहे पग पग साथ रहे जौन जौन लंकवा में खेलबा तू खेल हो। क्या बात है कि मोर सदा हाथ रहे पग पग साथ रहे जौन जौन लंकवा में खेलबा तू खेल हो। तो गुरु हमें मानल त आज गुरु दक्षिणा में लंकवा के नकिया में नाइद नकेल हो। गुरु हमें मानल त आज गुरु दक्षिणा में
लंकवा के नकिया में नाइद नकेल हो, अब पानी पाप के कपारे चढ़ी बही रहा रवणा के वही पनिया में दढ़केल हो, कि अब पानी पाप का कपारे चढ़ी बही रहा और रवणा के वही पनिया में दढ़केल हो। सुन रान कहते हैं हनुमान जब ऐसी बात है चलो हम चलते हैं, रावण की पाप का घड़ा बढ़ गया है। जब हनुमान जी जागृत हो जाते हैं तो वहां पर एकत्रित बंदर भालू में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। छंद आपके हवाले करता हूं सुनिए, कि जगलय पवन सुत जागी गए जागी गए, कि जगलय पवन सुत जागी गए जागी गए, जोर जोर ताली सब पीटल उछड़ी के, बंदर भालू सब प्रसन्न, कि जगल पवन सुत जागी गए जोर जोर ताली सब पीटले उछड़ी के, और कवनो कुलाच मारे मारी के उलट जाले, कि कवनो कुलाच मारे मारी के उलट जाले, मारे खुशी नाचे गिरी लदर बदरी के, कि कवनो कुलाच मारे मारी के उलट जाले, मारे खुशी नाच गिरे लदरी बदरी के, तो अब जान बच जाई, अब जान बच जाई, आपू समय कहे सब देहिया रगड़ी के, अब जान बच जाई, अब जान बच जाई, आपस में सब कहे देहिया रगड़ी के, तो जय 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 कार करे हनुमान जी के सब गोड़वा पकड़ी के, कि जय 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 कार करे हनुमान जी के सब गोड़वा पकड़ी के। सुग्रीव चलते समय बंदर भालुओं से कहे थे कि अगर बिना माता जानकी की खोज किए तो लोग वापस अगर लौटते हो तो तुम्हारे जीवन का अंत ही समझो। जब हनुमान जी जागृत होते हैं तो बंदर भालू में जीवन की रेखा दौड़ पड़ती है, वो जीवंत हो उठते हैं। जब हनुमान जी जागृत हो गए हैं अब माता जानकी का पता लगा के रहेंगे, इसलिए जीवन हम लोगों का संकट में नहीं है। छंद आगे आता है, हनुमान जी प्रस्थान कर रहे हैं, अद्भुत छंद सुनिए, कि धरती दबाई के उछड़ी गए हनुमान, कि धरती दबाई के उछड़ी गए हनुमान, शेष नाग कपलें भूई थरथराईगा, क्या बात है, कि धरती दबाई के उछड़ी गए हनुमान, शेषनाग कपलें भूई थरथराईगा, और छोट बड़ तरई हेराई बिलाई गैली, सूरज चनव का मन घबराईगा, कि छोट बड़ तरई हेराई बिलाई गैली, सूरज चनव का मन घबराईगा, तो दिग यौ दिगंत हिले आदि और अंत हिले, अरे धरती गगन जल लाग टकराईगा, कि दिग यौ दिगंत हिले आदि और अंत हिले, धरती गगन जल लाग टकराईगा, मारत दहाड़ नब चीरत बढ़त जाले, जे भी देखे कहे ले आकाश भहराईगा, क्या बात है, कि मारत दहाड़ नब चीरत बढ़त जाले, जे भी देखे कहे ले आकाश भहराईगा। वहां पर जो उपस्थित दृष्टा थे उनको दृश्य ऐसा लगा कि जैसे आसमान नीचे गिर पड़ा हो। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, कि मरले छलांग जब हनुमंत बेगवा से, कि मरले छलांग जब हनुमंत बेगवा से, पेड़वा उखड़ी चला उड़ी असमनिया, इतनी स्पीड थी, इतना रफ्तार था हनुमान जी के उड़ान में कि अगल बगल के पेड़ पौधे उस रफ्तार में उड़ के हनुमान जी के साथ चल पड़ते हैं। बड़ा ही प्यारा छंदा के हवाले करता हूँ सुने, कि मरले छलांग जब बेग मरले छलांग जग हनुमंत बेगवा से, कि मरले छलांग जब हनुमंत बेगवा से, पेड़वा उखड़ी चला उड़ा समनिया, और कुछ दूर उड़ल पर बेग जब कम भइल, फूल बरसाई धई ले जमनिया, कि कुछ दूर उड़ल पर बेग जब कम भइल, फूल बरसाई धई ले जमनिया, तो हनुमंत उगे लागे फूल बरसतवा में, जैसे तरई न संग चांद यो चदनिया, कि हनुमंत उगे लागे फूल यो बरसतवा में, जैसे तरई न संग चांद यो चदनिया, तो लागला कि जैसे हितनाथ के विदाई कई परिजन लौट जाले जाले जो टरनिया, क्या बात है, दृश्य लग रहा है जैसे कोई स्टेशन पर भाई बंधु को छोड़ने आता है, जब ट्रेन चल देती है तो वो भाई बंधु लौट आते हैं। उसी तरह हनुमान जी जब उड़ते हैं उनके साथ में जो अगल बगल के वृक्ष रहते हैं वो भी साथ उड़ चलते हैं और फिर पुनः उसी तरह वापस आ जाते हैं, जैसे स्टेशन पर हम लोग अपने परिजनों को छोड़ने जाते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। कि मरले छलांग जब हनुमंत बेगवा से, पेड़वा उखड़ी चला उड़ा समनिया, कि मरले छलांग जब हनुमंत बेगवा से, पेड़वा उखड़ी चला उड़ाय समनिया, और कुछ दूर उड़ल पर बेग जब कम भइल, फूल बरसाई धई ले जमनिया, तो हनुमंत उगई लागे फूल बरसतवा में, जैसे तरई न संग चांद यौ चदनिया, तो लागला कि जैसे हितनाथ कविदाई कई परिजन लौट जाले जाले जौ टरनिया।
हनुमान जी को विदा करके साथ में चले वृक्ष वापस आ जाते हैं। छंद आगे आता है, हनुमान जी उड़ान भर रहे हैं। छंद देखिए, आपके हवाले करता हूँ कि ऊपराया कसवई में ताना बाना भी नहीं रहे। हनुमान जी चल दिए माता जानकी की खोज में कि ऊपराया कसवई में ताना बाना भी नहीं रहे, सीताराम सीताराम मन में समान बा। कि ऊपराया कसवई में ताना बाना भी नहीं रहे, सीताराम सीताराम मन में समान बा। और काऊ करी कैसे मैं सिया जी का खोज करी, खोजी खाजी राम के मिलाई दे ध्यान बा। कि सीताराम सीताराम मन में समान बा, ऊपराया कसवई में ताना बाना भी नहीं रहे, सीताराम सीताराम मन में समान बा। और काऊ करी कैसे मैं सिया जी के खोजी खाजी राम से मिलाई दे यही बस ध्यान बा। क्या बात है, हनुमान जी उड़ान भर रहे हैं, मन में ताना बना चल रहा है कि यथाशीघ्र कैसे प्रभु राम को जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की खबर सुना दूं, कैसे उनको मैं मिला दूं। और बीच बीच में रह के मुद्रिका को हनुमान जी छू छू करके देखते रहते हैं कहीं गिर तो नहीं गया। वही छंद आता है कि सन 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 कारी बढ़े, काल गति भी थमल देख के लजान बा। तो बिचवा में रही रही मुदरी के टोई ले लागला की मुदरी में बसल परान बा। हनुमान जी उड़ान भर रहे हैं, नजाकत देखिए हनुमान जी के उड़ान का। कि चीरत चारत कैनभ मंडल अंजनी नंदन दावत जाले, कि चीरत चारत कैनभ मंडल अंजनी नंदन दावत जाले। और आदर बादर राह पड़े सब ही के उलाटत चापत जाले, कि आदर बादर राह पड़े सब ही के उलाटत चापत जाले। तो राम दुलार उधान चले अलहरय असमान के नापत जाले, राम दुलार उधान बढ़े अलहरय असमान के नापत जाले। और वंशक बोरन रावण कैसुधी आवे तो ओके सरापत जाले। हनुमान जी एक तरफ उड़ान भरे हुए हैं, दूसरे तरफ जब जब रावण की सुधि हनुमान जी को आती है वो रावण को श्राप देते जाते हैं कि आज इसी दुष्ट के चलते यह दिन देखना पड़ रहा है हमारे प्रभु राम को, और हमको समुद्र लंघन करना पड़ रहा है। कि चीरत चारत कैनभ मंडल अंजनी नंदन दावत जाले, वादर बादर राह पड़े सब ही के उलाटत चापत जाले। तो राम दुलार उधान चले अलहरय असमान के नापत जाले, तो वंशक बोरन रावण कै सुधि आवे तो ओके सरापत जाले। हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं माता जानकी की खोज में। अगला छंद आता है, सुनिए। कि ताकत समुद्र चले झाकत समुद्र चले, कि ताकत समुद्र चले झाकत समुद्र चले, लहरत सागर के ऊपर आकाश बा। क्या बात है, कि ताकत समुद्र चले झाकत समुद्र चले, लहरत सागर के ऊपर आकाश बा। और बिचवा में अंजनी के लाल लल कारी बढ़े, राम काज काज धुन ध्यान में धधान बा। बिचवा में अंजनी के लाल लल कारी बढ़े, राम काज धुन में धधान बा। तो बैठ कैलाश पर शिव जी मगन भय। क्या बात है, कि बैठ कैलाश पर शिव जी मगन भय, मोर अवतार देख कैले पयान बा। बैठ कैलाश पर शिव जी मगन भय, मोर अवतार देख कैले पयान बा। और देवता निहारे लागे भाग के सराहे लागे, भाग्यवान अंजनी का पुत हनुमान बा। क्या बात है, कि देवता निहारे लागे भाग के सराहे लागे, भाग्यवान अंजनी का पुत हनुमान बा। दृश्य को देखकर सभी देवताओं के मन में भाव उठने लगा कि अंजनी नंदन जो है कि हनुमान जी भाग्यशाली हैं कि उनको राम काज का सुअवसर मिला है। और वह इस सौभाग्य को देखकर देवताओं के मन में जलन हो रहा है कि यह सौभाग्य हमें क्यों नहीं मिला। मित्रों, बहुत से ऐसे ऐसे छंद इस खंड काव्य के हैं जो आप तक मैं क्रमशः पहुंचाता रहूंगा। इस भाग को मैं यहीं विराम देता हूं, निवेदन फिर वही, क्योंकि किसी रचना का पारितोषिक सच्चा पारितोषिक तभी होता है जब सामने वाला वाह वाह कर दे, ताली बजा दे। हम मैं और आप प्रत्यक्ष नहीं हैं तो ताली के रूप में आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि
बजरंग बली की जय जयकार तो है ही, हम आप मिल करके और जय जयकार कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।